नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एबी टाइप ऑफिसर क्लब में हुआ अंतरराष्ट्रीय सुजोग एसोसिएशन के द्वारा सुजोग एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण एवं चिकित्सा शिविर का शुभारंभ। यह चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर 31 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें भोपाल से आए सुजोग थेरेपी एक्सपर्ट पंकज जैन ने सुजोग चिकित्सा पद्धति का प्रशिक्षण दिया एवं उपचार भी किया। एक्चुअली सुजोगी है ना, जिसके लिए अब इनको तकलीफ थी एड़ी में। उस एड़ी में यहाँ पर इनको दर्द था, ठीक है। अब उस इस ये सिस्टम है जिसको हम सुजोग के नाम से जानते हैं, सुजोग एक्यूप्रेशर और सुजोग। हम केवल प्रेशर नहीं, बिना प्रेशर के भी हम केवल मैग्नेट्स के द्वारा किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं। पर्टिकुलरली एक समानता के आधार पर इस पूरी शरीर के संबंध इस हाथ से होता है, इस सुजोग में। बेसिकली सु का मतलब होता है हाथ और जोग का मतलब होता है पैर। इससे संबंधित एरिया को हमने इसमें प्रेस आउट किया और सही पॉइंट जब ढूंढ लिया जाता है तो वहाँ एक पेनफुल पॉइंट हल्का सा मिलता है। अब उस पर हमने इस पर एक छोटा सा वायर मैग्नेट लगाया है, ओके। उस पर प्रेशर देना, ये सुजोग का एक्यूप्रेशर पार्ट कहलाता है, ओके। और एक और वर्जन एक डेवलप हुआ है सुजोग की, की का मतलब होता है एनर्जी। मीन्स अब हम बिना प्रेशर दिए भी अब हीलिंग कर सकते हैं पूरे शरीर की, हाथ और पैर से, बाय द हेल्प ऑफ सिंपल मैग्नेटिजम्स, ओके। तो सही टेक्निक को समझ के इसका पूरा डिटेल अंडरस्टैंडिंग होता है। उसको लगाने के बाद अब इनकी एड़ी के दर्द में, इनके यहाँ पे एक्जैक्टली जो पेन था उसको जब हमने चेकआउट किया, पॉइंट ढूंढा, उसको लगाया, नाउ शी इज़ बेटर बाई हाउ मच परसेंट? 30% ऑलरेडी बेटर, और इंस्टेंट रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्रॉनिक बीमारियाँ हैं उसको बार बार करती रहेंगी तो शी विल बी मोर बेटर एंड बेस्टर। तो ये लगा भी रहेगा, इसको प्रेशर भी दे सकती हैं। तो ये एक्चुअली वर्जन कहलाता है सुजोग और सुजोग। चीन के द्वारा विकसित की गई इस चिकित्सा पद्धति के द्वारा किसी भी दर्द से तुरंत राहत एवं बड़ी से बड़ी बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। आपको कितना आराम मिला इसमें? मेरे क्या 5-6 दिन से एडी में दर्द था, लेफ्ट पैर की एडी में दर्द, और आज यहाँ मैंने कैंप अटेंड करा, एक छोटा सा ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन प्रोग्राम था, उसमें मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया। जो डॉक्टर भोपाल से आए थे पंकज जैन, उन्होंने मुझे ट्रीट करा, उन्होंने मेरी मिडिल फिंगर में कुछ वायर ट्रीटमेंट दिया, जिसकी वजह से मुझे करीब 40-50% आराम मिला। तो इसमें क्या इस थेरेपी में कोई दर्द वर्द है या सिर्फ नॉर्मल है? एक्चुअली दर्द तो नहीं है, पर्टिकुलर आपके जिस जगह पर दर्द होता है उसके सारे पॉइंट हमारे हाथ में भी होते हैं। जब वो उस पॉइंट को प्रेसराइज करते हैं तो पर्टिकुलर उस पॉइंट पर थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा दर्द महसूस होता है, बाकी पॉइंट पर आपको दर्द महसूस नहीं होता। ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत सही चुभे गया कुछ ऐसा हो, एक नॉर्मल दर्द है, इसको आप जो भी पेशेंट है वो आराम से महसूस कर सकते हैं। ये थेरेपी के बाद आपको आराम मिला? हाँ, मुझे जो प्रॉब्लम थी कि उठने में एकदम एडी में दर्द हो रहा था, चलने में दर्द हो रहा था, वो यहाँ आके मुझे लगा कि हाँ 40-50% मेरी प्रॉब्लम। तो इस थेरेपी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खैर देखिए, ये तो हमारी हमारे देश की पद्धति तो है नहीं, थेरेपी है नहीं, ये चाइना से आई हुई थेरेपी है, पर हाँ एक अच्छी थेरेपी, जिस तरह से आज हम एलोपैथी की दौड़ में भाग रहे हैं, और हम जो हाउस वाइफ हैं जो बहुत अवेयर नहीं होती अपनी हेल्थ के प्रति, अपने बच्चों के परिवार की हेल्थ के प्रति, तो यदि हम इस थेरेपी के बारे में यदि जाने या जान सकते हैं या हम जान लें, तो ये जो छोटी मोटी चीज़ों का इलाज है, जैसे सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, इवन जब पंकज सर ने हमें बताया कि इससे हार्ट अटैक को भी आप रोका जा सकता है, कि आप बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, यदि आपके सामने किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है या आने वाला है तो आप उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। तो यदि ये चीज़ें हम महिलाओं को आएगी, हम अपने परिवार को तो स्वस्थ रख ही सकते हैं। यहाँ पे कितनी महिलाओं ने सुजोग थेरेपी को अपनाया? यहाँ हमारा क्लब तो खैर वैसे ही बहुत अवेयर है ना, तो यहाँ करीब 25-30 महिलाओं ने इस कैंप को ज्वाइन करा और हमें तो बड़ा अच्छा लगा। हमने सर को आगे न्योता भी दिया है कि वो पुनः हमारे सारणी पधारे, और एक हम अपने ही ऑफिसर्स क्लब में जितनी महिलाएँ हो सकती हैं 15-20, इनके लिए एक अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा रखें। थैंक यू मैम। हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये सुजोग है क्या? देखिए, ये एक एक्चुअली कोरियन चिकित्सा पद्धति है जो अभी तक जो ऑलरेडी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर इस 5,000 साल से नोन है इस वर्ल्ड में, ये उसी का एक बहुत ही मॉडिफाइड और डेवलप सिस्टम है, ओके। अब ये सिस्टम पूरे शरीर में डायरेक्टली एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर ना अप्लाई करके इसको केवल हाथ और पैर तक कंसाइज करते हैं। पहले टीवी का को चलाने के लिए आपको टीवी को ऑपरेट करना पड़ता था, बटन वहीं होती थी, अब वही सब चीज़ें आपको वायरलेस के रूप में आपके हाथ में एक रिमोट की तरह मौजूद है। तो बहुत ही वेल साइंटिफिक तरीके से इस पूरे एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर का एक साइंस डेवलप हुआ है, जिसको सुजोग के नाम से कोरिया के प्रोफेसर पार्क जीवो ने डेवलप किया है। इसमें पूरा ट्रीटमेंट हम पूरा कंसाइज कर रहे हैं अब हाथ और पैर को, इसीलिए सु का मतलब होता है हाथ और जोग का मतलब होता है पैर।
तो ये जो ऑलरेडी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर इस दुनिया में जो लोग विदित जानते थे, अभी पूरा कंसाइज होकर वर्जन हो गया है, सुजोग एक्यूप्रेशर और सुजोग एक्यूपंचर। अब सिर से लेके पैर तक की कोई भी बीमारी हो, अब हम इसको हाथ और पैर से भी कर सकते हैं। इसमें केवल एक्यूप्रेशर नहीं, इसमें एक्यूपंचर नीडल्स के भी द्वारा भी पॉसिबल है, या इससे भी और अच्छा एक ट्रीटमेंट है जिसमें बिना नीडल्स के भी ट्रीटमेंट होता है और जिसमें प्रेशर भी देने देना होता है, जिसको कि अभी डेवलप किया गया है इस पद्धति की जन्मदाता के द्वारा सुजोग की के नाम से। की का मतलब होता है एनर्जी, मीन्स अब हम इस सिस्टम को बिना प्रेशर दिए भी संबंधित अंग में जाके, उससे रिलेटेड पॉइंट्स में जाके केवल पोलरिटी के द्वारा भी चेक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सुजोग के द्वारा ह्यूमन बॉडी को क्या बेनिफिट है? सभी तरह के रोगों के लिए, सिर से लेके पैर तक, सिर दर्द से लेके हर कोई भी तरह का सिर दर्द हो, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, आप जितनी भी बीमारियाँ आप सिर से लेके टो तक बात करते हैं, उन सब बीमारियों में इसका अपना पोटेंशियल है कि अपने आप में कंप्लीट थेरेपी मौजूद है, चाहे वो गायनिक डिसऑर्डर्स हो, चाहे वो हार्ट डिसऑर्डर्स हो, चाहे वो अस्थमा की ट्रबल्स हो, चाहे रेगुलर पेन्स हो, सभी जॉइंट्स पेन्स हो, है ना, क्रॉनिक पेन्स हो, एक्यूट में इमीडिएटली इफेक्ट मिलता है इसका। तो हर तरीके से हर सिस्टम के लिए डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास किस स्टेज में आया है। बहुत लेट स्टेज में आया तो हमको देने में समय टाइम लगता है उसको, पर तब भी हम उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अगर एक्यूट स्टेटस हैं, चेंजेस हैं भी बोन में, चेंजेस हैं तो मिडिल स्टेज भी है, तो भी नो डाउट बहुत अच्छे चेंज आते हैं, ताकि उसके बहुत जल्दी उसको पेन किलर्स और अदर फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, एंड ही कैन लिव हिज लाइफ वेरी एंड। तो इस तरह से हर बीमारी में इसका अपना पोटेंशियल है, क्योंकि हम यहाँ केवल यहाँ, ये तो एक वर्जन था यहाँ लोगों को शॉर्टली इंट्रोड्यूस करने का, बेसिकली हम इसके पूरे प्रॉपरली प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, और मैं एक्चुअली ऑलरेडी 3 दिन यहाँ पे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं आया हूँ यहाँ पे, हम ऑलरेडी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि लोग इस सिस्टम को मिनिमम इसके पहले स्तर को ज़रूर सीखना चाहिए, ताकि आप अपनी बीमारियों का इलाज खुद अपने लेवल पर ही कर सकें। इनको प्रशिक्षण भी दिया बहुत बढ़िया से, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सुजोग एक्यूपंचर एसोसिएशन है जिसके तहत पूरे वर्ल्ड में सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाए जाते हैं, और स्पेशली इसके जो 2 स्तर होते हैं वो हर कॉमन आदमी के लिए मौजूद हैं, उसको सीख के एक आदमी बीमारी को अपने ही लेवल पे शुरुआती लेवल से ही साफ कर सकता है, ताकि वो उस स्टेज तक नहीं पहुँचेगी ताकि उसको डिटेली ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़े। इसीलिए इस संस्था के तहत मैं उसका लेक्चरर हूँ और वी आर ट्रेनिंग। थैंक यू। ओके, थैंक यू। चिकित्सा शिविर एवं प्रशिक्षण के शुभारंभ अवसर पर ऑफिसर क्लब में बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस पद्धति पर अपना विश्वास दिखाया है। यह प्रशिक्षण 31 अगस्त तक जारी रहेगा। आप दे सकें तो हम क्लब से बुलाएंगे आपको।